मैं भी विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। लेकिन आज जो मानव श्रृंखला बनी है वो पूरे बिहार की बनी है, और जिस प्रकार से पूरे बिहार की जल जीवन हरियाली यात्रा के दौरान मैंने लोगों का मन देखा, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जो काम हम लोगों ने बिहार में शुरू किया है पर्यावरण के संतुलन के लिए और जलवायु परिवर्तन के कारण जो दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है और इसके चलते आने वाली पीढ़ी को भयंकर नुकसान होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए और बिहार में भी जो स्थिति पैदा हुई है, सब जगह जो स्थिति पैदा हुई है, जो जिस बात को लेकर के हम लोगों ने निरंतर पिछले कई महीनों से इसकी चर्चा की, और आप सबको मालूम है कि मैं यहाँ पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर साहब को और बिहार विधान परिषद के कार्यकारी सभापति जी को भी मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। इन लोगों ने हम लोगों के अनुरोध पर बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को एक साथ मीटिंग के लिए आमंत्रित किया और वो 13 जुलाई को बैठक हुई और इतने अच्छे ढंग से दिन भर चर्चा चली और उसी में हम लोगों ने तय किया कि अब हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत करेंगे। और जल जीवन हरियाली अभियान का मतलब है कि जल और हरियाली के बीच जीवन, जल के बाद जीवन और जीवन के दूसरी तरफ हरियाली। यानी अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन संरक्षित है, सुरक्षित है। इसलिए इस अभियान का नामकरण किया गया जल जीवन हरियाली अभियान, और इसके लिए हम लोगों ने कार्य योजना बनाई है और वो मिशन मोड में उस कार्य योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। हमने पूरे बिहार में हर जिले में एक एक स्थल पर यात्रा की और जो स्थिति देखी, लोगों का जो इस बात को लेकर के बिल्कुल मनोबल हमने देखा है, और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोगों के मन में पर्यावरण को लेकर जो परिस्थिति है उसको लेकर के लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं, उनको सिर्फ चिंता नहीं आ रही है बल्कि वो पूरे तौर पर इस बात के लिए जागरूक हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है, और आज उसी को ध्यान में रखते हुए जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया पूरे बिहार में, यानी एकदम लिंक है, ये एक जिले की बात नहीं, एक जगह की बात नहीं, ये पूरा का पूरा बिहार एक दूसरे से लिंक होकर के हर एक जिले के लोग और लोग खड़े हैं। अब तो 4 बजे हमारे मुख्य सचिव पूरे बिहार का जो इनके पास आंकड़ा आ जाएगा हर जगह से इसकी जानकारी लेकर के 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या आपको बताएंगे कि आज कितनी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई। जो हम लोगों का लक्ष्य था उस लक्ष्य को तो जरूर पूरा करेंगे, हमको इतना पूरा भरोसा है, लेकिन इसके बारे में पूरी जानकारी आपको चीफ सेक्रेटरी देंगे 4 बजे। और अभी तो आप सब लोग मौजूद रहे, सब पत्रकार बंधु, मैं उनको भी विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। लेकिन आज मुझे खुशी है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो बिहार का नक्शा है उसके हिसाब से गांधी मैदान में लोग खड़े रहे मानव श्रृंखला में, और गांधी मैदान से 4 तरफ ये श्रृंखला निकली है, और वो निकलते निकलते 4 जिलों की तरफ, और फिर जिस जिले में जा रहे हैं उससे आगे के जिले में, उसके आगे पीछे अगल बगल सब जिलों में, और इस तरह से ये पूरे तौर पर रहा है पहले से ही प्लान। तो आज मुझे खुशी है कि आज के इस अवसर पर हमारे बीच में भाई जल पुरुष राजेंद्र सिंह जी भी उपस्थित थे। इनकी कितनी बड़ी भूमिका है जल के संरक्षण के लिए, जो इन्होंने काम किया और इनको जो पुरस्कृत किया गया। तो हम लोगों से तो बहुत पहले का संबंध इनसे, हम जब भी पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, गंगा नदी की स्थिति में जब संकट आ रहा उसको लेकर के जो हम लोगों ने बिहार में और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किया, सब में इन्होंने सहयोग किया और सारे कितने जानकार लोगों को आमंत्रित किया। तो आज मुझे खुशी है
और ये हमेशा और अच्छी बात अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, हमारे बिहार की स्थिति ध्यान दीजिए, यहाँ तक कि विभिन्न विभागों के अधिकारी भी इनसे चर्चा करते हैं, अलग अलग जिलों में अगर उनको कुछ लगता है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि आज वो हमारे बीच में है और इन्होंने जो मुझे सम्मानित करने की कोशिश की है, भाई ये मैं इसके लायक नहीं, ये तो बिहार के लोग इसके लायक हैं जो इतनी बड़ी संख्या में सब लोग शामिल हुए, हम लोग का तो काम है। और फिर जो यूनाइटेड नेशंस के बिहार कंट्री हेड के लिए अब्दुल बगई जी भी हमारे बीच में उपस्थित थे, ये कम खुशी की बात नहीं। पर्यावरण को लेकर जो यूनाइटेड नेशंस का अपना काम है यूएनडीपी और उसके बिहार कंट्री हेड जो हमारे हैं ये भी आए हुए हैं, मैं इनको भी विशेष तौर पर बधाई देता हूँ कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पर सब लोग हर तरह के लोग समाज के हर तबके के लोग और खास करके देख लीजिए जितनी बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी हुई है, जितनी बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी हुई, लड़का हो या लड़की, कितनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई है, सभी समाज के लोग सभी धर्म के को मानने वाले लोग सब लोगों की जो भागीदारी हुई है ये मामूली बात नहीं है। और हम लोगों ने इसके पहले दो मानव श्रृंखला बनाई, 21 जनवरी 2017 में हम लोगों ने नशा मुक्ति के लिए और उसमें भी बड़ी भारी संख्या में लोगों की भागीदारी हुई और फिर 2018 के 21 जनवरी को उस बार भी हम लोगों ने जो मानव श्रृंखला का आयोजन किया वो दहेज प्रथा और बाल विवाह के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने के लिए। और इस बार जो हम लोगों ने पर्यावरण की स्थिति का आकलन किया, जिस तरह से परिस्थिति उत्पन्न हुई है, अगर इसको लेकर के लोगों में जागृति आएगी तभी हम पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं और जलवायु परिवर्तन की ऐसी स्थिति नहीं हो। और जिस तरह से बिहार में भूजल स्तर में गिरावट आ रही है, क्या पर्यावरण का परिवर्तन है आप देख रहे हैं, वर्षापात की कमी और समय पर वर्षापात नहीं, अचानक बहुत ज्यादा वर्षापात, आप जान रहे हैं पिछले वर्ष 2018 में तो 534 प्रखंड में से 280 प्रखंड सूखे से प्रभावित थे। और 2019 में क्या हुआ, जब हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की चर्चा की तो जुलाई में ही कई जिलों में जिस प्रकार से भीषण वर्षापात के बाद जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न आई अचानक वर्षापात के कारण, उसके बाद सूखे की स्थिति रही और फिर सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो भीषण वर्षापात फिर हुआ, तो उसके चलते आप जानते हैं कितना नुकसान है। तो हम सब लोगों को देखना, हम सब लोगों को संतुलित करना पड़ेगा। अब भूजल स्तर में गिरावट, अब छोड़ दीजिए गंगा नदी के दक्षिण वाले इलाके में, इस बार तो गंगा नदी के उत्तर भी, यहाँ तक कि दरभंगा में भी जब भूजल स्तर में गिरावट आई, मुझको लगा कि अगर लोगों को जागृत नहीं करेंगे तो फिर संकट बढ़ता चला जाएगा। और मुझे खुशी है कि लोगों में जागृति आई और जल जीवन हरियाली अभियान के लिए हम जल का दुरुपयोग नहीं करें और जो हम लोग जितना पोखर तालाब आहर पई सबको अतिक्रमण मुक्त, उसका जीर्णोद्धार, जितने सार्वजनिक स्थल के कुएं हैं सबका जीर्णोद्धार, तो हर प्रकार का जो काम हम लोग करने जा रहे हैं और एक एक तरह से रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, कौन सा काम हम लोग इसके बारे में नहीं सोच रहे। और वर्षा के दिनों में गंगा नदी का जल हम लोग पहुंचाएंगे गया बोध गया को, राजगीर को, उसके बाद नवादा को, जहां बहुत बुरी स्थिति उत्पन्न होती है। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, लेकिन गंगा नदी का जल कब ले जाएंगे, वर्षा के टाइम में, बाकी समय में नहीं, ताकि वो पानी सीधे चला जाता है समुद्र। तो इस तरह से एक एक चीज के बारे में, फिर जो फसल चक्र है मौसम के अनुकूल फसल, एक एक चीज। और हरियाली के लिए आप जानते हैं झारखंड से अलग हो गया तो बिहार में क्या स्थिति थी, यहाँ का हरित आवरण मात्र 9%। हम लोगों ने हरियाली मिशन की शुरुआत की 2012 में, 19 करोड़ पौधे लगाए गए, आज लगभग 15% तक जो हरित आवरण आया है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना है। तो जल जीवन हरियाली अभियान में
और जो मिशन बोर्ड में कार्य योजना तैयार हो रही है उसमें हम लोग और ज्यादा 8.5 करोड़ से भी ज्यादा पौधे लगाने का निर्णय किया। ये हम लोगों का, लेकिन हम लोगों को तो प्रेरित करना है लोगों को कि सिर्फ 8.5 करोड़ नहीं लगे, इससे भी और ज्यादा पौधे लगाए ताकि हमारा हरित आवरण बढ़े। अगर जल का संरक्षण होगा, भूजल स्तर का संरक्षण होगा, हरियाली बढ़ेगी, तब बिहार में पर्यावरण संतुलित होगा और जो जलवायु का परिवर्तन हो रहा है उसमें कमी आएगी और लोगों का जीवन सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ी का जीवन सुरक्षित रहेगा और उसके लिए कल्याण होगा। इसलिए हम लोगों ने इस अभियान को शुरू किया और इसके साथ साथ जो पहले से हम लोग नशा मुक्ति के लिए कर रहे हैं उसके लिए भी आज का समर्थन, उसके समर्थन में भी, और बाल विवाह दहेज प्रथा के खिलाफ जो निरंतर अभियान चलना है उसके लिए भी, तो सब चीजों को लेकर आज जो मानव श्रृंखला हुई है इसके लिए मैं समस्त बिहारवासियों को इस बात के लिए विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और यह एक कार्यक्रम है, यह अपने ढंग का एक अनोखा कार्यक्रम है हम लोग, लेकिन निरंतर अभियान चलाते रहेंगे। और जान लीजिए अब हर घर बिजली पहुंचा दिया, अब लोगों को कह रहे हैं कि अब आप सौर ऊर्जा को जानिए, वही अक्षय ऊर्जा है और उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर प्रकार से और यह अभियान जल जीवन हरियाली अभियान यह हमारा निरंतर चलेगा, क्योंकि अगर अभियान में कमी लाएंगे तो फिर अवेयरनेस में कमी आएगी। और बापू ने क्या कहा, बापू का 150वां जो वर्ष हम लोग मना रहे हैं जन्म का उनका, तो उस बीच में जैसे बहुत सारा काम हम लोगों ने किया, चंपारण सत्याग्रह का 100वां साल पूरा हुआ, 100 साल तब हम लोगों ने काम किया नशा मुक्ति से लेकर के और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ, आज 150 साल हुआ है तब हम लोग ये अभी काम कर रहे हैं हरियाली अभियान, जल जीवन हरियाली अभियान पर्यावरण के लिए। बापू ने क्या कहा था कि भाई ये जो धरती है आपकी जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, लेकिन अगर मन में लालच का भाव है तो ये धरती सक्षम नहीं है। कहने का मतलब अगर हम यह पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात है, अगर हम इसको नहीं समझेंगे, पर्यावरण से छेड़छाड़ करेंगे तो फिर ये धरती सक्षम नहीं है, संकट आएगा धरती पे। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये बापू के विचार को ही अपनाते हुए हम लोगों ने इस अभियान की शुरुआत की है और सब लोगों की भागीदारी हुई है। इसके लिए विशेष तौर पर मैं सबको पुनः धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और मैं पत्रकार मित्रों को भी करता हूँ। जब हम लोग हाथ मानव श्रृंखला में थे हम अनुरोध कर रहे थे कि भाई आप ही हाथ उठा करके मानव श्रृंखला का समर्थन कर दीजिए, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने हाथ उठा करके मानव श्रृंखला का समर्थन किया। इसके लिए भी मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। और आप लोगों से मैं एक ही विशेष अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि यह अभियान है, यह सोशल वेलफेयर का काम है, सामाजिक अभियान है, जागृति का अभियान है, इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। अगर हमसे कोई चूक हो खूब आलोचना करिए, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन इस चीज के लिए, जल जीवन हरियाली अभियान के लिए और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए इसमें सब लोगों का सहयोग और समर्थन मिलना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः इस अवसर पर, और भाई राजेंद्र सिंह जी जो हमारे जल पुरुष है देश के नागरिक, इन्होंने भी इस अवसर पर जो कार्यक्रम हुआ है इसका न सिर्फ समर्थन किया है बल्कि इसके लिए मुझे बधाई दे दी है, मैं इनका ऋणी हूँ। और मैं इतना ही आश्वस्त करता हूँ कि आपका सहयोग तो हम लोग लेते ही रहेंगे, लेकिन इसके मामले, इस मामले में जो पर्यावरण का मुद्दा है, इस मामले में हम किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लोग मिलकर इसके लिए काम करते रहेंगे। तो इतना ही करते हुए आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वृक्ष पानी हो शुद्ध।